जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीए के बाद एमए करें या फिर एमबीए करें, आज के समय में कौन सा कोर्स करना सही रहेगा? तो दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं। किसको एमए करना चाहिए, किसको एमबीए करना चाहिए, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमबीए करें या फिर एमए करें, कौन सा कोर्स हमारे लिए सही है। तो साथियों, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों ही कोर्सेज की अपनी अपनी वैल्यू है। बात करते हैं कि एमए किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, और वो भी आपको टीचिंग सेक्टर में आपको जाना है, आपको टीचर बनना है, फिर चाहे आपको प्राइमरी लेवल से लेकर 12th क्लास तक का टीचर बनना है, या फिर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपना एमए करना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट के आपको टीचर बनना है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप अपना क्या करिए, एमए करिए। फिर चाहे एमए आप हिस्ट्री से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। दूसरा है, वो लोग भी एमए कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो भी आप एमए आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आप हिस्ट्री से एमए कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको एमए करने से हेल्प मिलेगी। तो अब बात करते हैं साथियों, एमबीए किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आप करने के बाद में आप जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसमें आप अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले सकते हैं। एमबीए आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे आपका एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईबी में, बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप अपना एमबीए कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शन है यदि आप एमबीए करते हैं। साथियों, यदि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, यानी कि आपको बैंक में मैनेजर बनना है, अच्छी पोस्ट पर आपको जाना है, बैंक में भी बहुत सारी पोस्ट होती है, आपके क्लर्क के लिए होती है, बहुत सारी पोस्ट होती है, लेकिन बैंक में भी आपको एक अच्छी पोजिशन पे जाना है, अच्छी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे आपका बैंक में मैनेजर के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वहां पर आपको एमबीए मांगा जाता है, तो वहां पर आपको एमबीए करना होगा, तो आप एमबीए कर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन है, आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, प्रोफेशनल में आपको जाना है, तो आप अपना एमबीए करिए। यदि आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको जाना है, टीचिंग सेक्टर में आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एमए कर सकते हैं। यानी कि आपको यदि आपको लेक्चरर बनना है या आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स आपके रेगुलर और डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में कराए जाते हैं। एमबीए आपका प्राइवेट में नहीं कराया जाता, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में कराया जाता है, और रेगुलर भी कराया जाता है। तो यदि आप वर्किंग में हैं, तो दोनों ही कोर्सेज आप कर सकते हैं, रेगुलर और डिस्टेंस या फिर प्राइवेट मोड में। एमबीए प्राइवेट में नहीं होता, एमबीए आपका किस में होता है, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड में। बीए आपका प्राइवेट भी कराया जाता है। दोनों ही कोर्स किसके हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों ही कोर्स आपके पीजी हैं, तो दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एमए करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए। साथियों, वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।